हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? हेलो मैम, बेटा आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में एक ओवरव्यू देखा था कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना, इसमें हम पहले राजवंश के बारे में पढ़ेंगे कि जो मिडिल हिस्ट्री है हमारी मेडिवल, इसमें सबसे पहले कौन सा राजा आया था। इससे पहले अब आप लोगों का टेस्ट ले लिया जाए, आप लोगों को पता है मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, याद है सभी? यस मैम। चलिए रत्नेश आप बताइए। प्रशांत आपको याद है बेटा? नो। यस अभिषेक आप बताइए। मैम 700 से 1700। यस 700 से 1750, यानी जो हजार सालों का टाइम है ये मेडिवल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। यस मैम। बेटा इसे भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड सेकंड लेटर मेडिवल पीरियड। तो अर्ली मेडिवल पीरियड में आपको लगभग 700 से लेके 1300 तक की स्टडी करनी है, एंड जो आपका लेटर मेडिवल पीरियड होगा वो 1400 से लेके 1700 लास्ट तक। तो जो हमारी जो हमारा लेटर मेडिवल पीरियड है उसमें एक ही अंपायर आता है मेन, मुगल अंपायर। लेटर मेडिवल पीरियड में एक अंपायर ही काफी पावरफुल रहा था, मुगल अंपायर। बट जो हमारा मेडिवल पीरियड है इसमें काफी सारे अंपायर आए थे, बहुत सारे राजा आए थे। अब वो कौन कौन से वंश से थे, कौन कौन सी डेंसिटी से थे, डेंसिटी कौन सी थी उनकी, ये सारा ही अब हमें पढ़ना है। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यस मैम। यस मैम। बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है इसका टाइटल है न्यू किंग्स एंड किंगडम, यानी राजा और उनका साम्राज्य। बेटा आप जैसे जिसके भी यहाँ से आवाज आ रही है वो अपना माइक ऑफ कर दे। यस मैम। उत्कर्ष एंड नागरिक यहाँ से आवाज आ रही है। तो बेटा आज का हमारा चैप्टर क्या है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, यानी नए राजा और उनका साम्राज्य। कौन से नए राजा बने थे, उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, ये हमें पढ़ना है, आज स्टडी करना है। ओके बेटा। यस सर। तो मैनी न्यू डेंसिटीज एमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। तो बेटा जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें हमें ये भी बताया था कि काफी सारे राजवंश आए थे इस समय में। तो इसमें चोल साम्राज्य जो है ये भी पॉपुलर था, दूसरा हमने पढ़ा था तुगलक वंश, तो ये भी काफी पॉपुलर था। मुगल वंश, इन ये जो तीन वंश थे ये काफी पॉपुलर थे। लेकिन क्या इन तीनों में से सबसे पहले कौन आया था, सबसे जो स्टार्टिंग है मेडिवल हिस्ट्री की वो कौन से वंश के साथ होती है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है। इसके लिए हमें बेटा मैप वन देखना है। मैप वन शोज द मेजर रूलिंग डेंसिटीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरीज। तो बेटा जो आपको यहाँ फर्स्ट मैप गिवन है इसमें ये बताया है कि 700 से लेके 12th सेंचुरी तक, यानी 1200 लास्ट तक कौन कौन से राजवंश आए थे। ओके बेटा। यस मैम। 700 से 1200 सेंचुरी तक कौन कौन से राजवंश आए थे, ये सारा ही हमें दिया गया है। ठीक है। ये इंडिया का मैप है, सभी को दिख रहा है? यस मैम। देखिए यस मैम है, पर बहुत सारे राजाओं ने राज्य किया। तो 17th से लेके 12th सेंचुरी तक कौन कौन से राजाओं ने राज्य किया, अब देखिए यहाँ इंद्रप्रस्थ, जिसे आज के समय में दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ राज कर रहे थे चाहमांस। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए हमें यहाँ प्रज्ञा
प्रयागराज जिस जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, यहाँ पर चंदेल वंश शासन कर रहे थे। ठीक है, अब आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ के बांग्लादेश से अटैच है ये वाली जगह, यहाँ पर पाल वंश का शासन। ठीक है, यस मैम। एंड यहाँ देखिए कलिंग वंश का शासन था। बेटा फिर आवाज आ रही है किसी के यहाँ से? अब यहाँ देखिए जहाँ पर तमिलनाडु एंड केरल है इस निचले वाले पार्ट में, यहाँ पर चोल वंश का शासन था एंड लगभग इतने एरिया पर चोल वंश ने शासन किया था। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए यहाँ पर राजपूतों का शासन था। तो हमारे इंडिया में लगभग 700 से लेकर 12th सेंचुरी तक जितने भी राजाओं ने राज्य किया उन सभी के हमने यहाँ पर नाम दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बातें हैं नेक्स्ट पे। बेटा आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर आज के समय में आपको पता है ये पिक्चर कहाँ से दिखी है? किसी ने देखी है? नो पता है किसी को कहाँ की है? अच्छा बेटा आप ये जानते हैं हमारे इंडिया में सबसे पॉपुलर कैप्स कहाँ की हैं? सबसे प्रसिद्ध गुफा कहाँ की है, पता है किसी को? नो मैम। मुस्कान आपको बताया बेटा? नो मैम। तो सबसे फेमस कैप्स कहाँ की है? अजंता एंड एलोरा की गुफाएं। ठीक है बेटा, अजंता एंड एलोरा की पिक्चर है ये वाली, ये वहाँ की ही पिक्चर है। यस मैम। कैसा ही दिखता है वहाँ पर, तो वहीं से एक पिक्चर ली हुई है जो आपको यहाँ पर दी हुई है। अब ये पिक्चर देने का क्या मतलब है, ये पिक्चर हमें क्यों दी गई है? तो बेटा ये पिक्चर हमें इसलिए दी गई है क्योंकि ये जो पिक्चर है ये उस समय के राजाओं के बारे में बताती है हमें। ठीक है, अब ये पिक्चर किसके बारे में, एक बार हम देख सकते हैं। बॉल रैली फ्रॉम कैव 15 एलोरा, तो ये एलोरा की गुफा से लिया गया है। शोविंग विष्णु एज द मैन लॉयल इज द वर्क ऑफ द राष्ट्रकूट। तो बेटा ये राष्ट्रकूट वंश का राजा था, तो ये नरसिंह वर्मन की पिक दी गई है आपको यहाँ पर, एक पेर के रूप में दिखाया गया है। ये देखिए यस मैम, वर्मन जो राष्ट्रकूट वंश, यस मैम, ये बहुत ही बहादुर था, इसने काफी सारे राजा था और इसने अपने आप को एक टाइटल दिया था, लॉयन की उपाधि दी थी इसने। ये अपने आप को लॉयन कहता था कि मैं बहुत ही बहादुर हूँ, तो इसलिए इसके द्वारा ही ये पिक्चर बनाई गई है और यहाँ पर उसने अपने आप को एक लॉयन के रूप में प्रेजेंट किया। ओके बेटा, यस मैम, यस मैम। ये पिक्चर कहाँ की है पता लग गया आप सभी को? यस मैम, यस मैम। बेटा कहाँ की है पिक्चर? आप बताइए ये वाली जो पिक्चर अभी मैंने दिखाई थी कहाँ से? वैष्णो देवी। वैष्णो देवी। पिछले काम बताइए बेटा। ये सब अभिषेक बेटा ये पिक्चर कहाँ की? मैम K15 एलोरा एलोरा की गुफा से लिया गया है और यहाँ पर ये कौन सा राजा है? ठीक है बेटा, सबसे पहले मुझे ये चेक करना है। चलिए बेटा तो अब आगे चैप्टर पे आते हैं। यस मैम। द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, तो नया वंश कौन सा आया था सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री में? बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्या हुआ था बेटा, जो हमारी 7th सेंचुरी है यानी 7वीं शताब्दी में जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, काफी सारे किसान ऐसे थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हो गई थी, वो लैंडलॉर्ड बन गए थे।
अपनी जमीनों के मालिक बन गए। तो बेटा ये जो लैंडलॉर्ड थे, ये जो जिनके भी पास ज्यादा जमीनें आ जाती थी, तब उनके अंदर ये क्रेज आ जाता था कि हमें केवल अपनी जमीन नहीं, हमें बाकी लोगों की भी जमीन अपने अंडर करनी है। तो इसलिए वो क्या करते थे, बाकी लोगों से लड़ाई करते थे, अटैक करते थे। ठीक है बेटा। ऑफन एक्नोलेजेस देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामन। तो बेटा ये जो पहले के जमाने में, मतलब जो ये 7वीं शताब्दी में ये जो लैंडलॉर्ड होते थे, इन्हें क्या कहा जाता था, सामंत कहा जाता था। इन्हें जो सामंत होते थे, ये राजा नहीं होते थे, बट क्या हुआ कुछ टाइम बाद ये लोग राजा बन गए। कैसे बन गए थे ये बेटा, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो राजा होते थे ना, वो जब बहुत खुश हो जाते थे तो अपने किसी सिपाही को बहुत सी जमीन और बहुत सा धन दान में दे देते थे। एंड ये जो छोटे जो सिपाही होते थे या जो छोटे लैंडलॉर्ड होते थे, वो क्या करते थे, फायदा उठा लेते थे और मौका ढूंढते थे कि कब हम अपने राजा पे अटैक करें और हम राजा बन जाएं। तो बेटा ये जो सामंत थे, ये पहले एक किसान थे जिनके पास जमीन का बड़ा हिस्सा था, और बाद में आगे चल के ये लोग राजा बन गए। ठीक है। यस मैम। तो पहले जो सामंत लोग होते थे, पहले क्या काम करते थे राजा बनने के पहले, दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग और ओवरलोड। तो बेटा ये जो सामंत होते थे, इनसे ये उम्मीद की जाती थी कि अपने राजा को या फिर अपने मालिक को, जो इनके इनसे बड़ा जो मालिक होता था, उन्हें उपहार देते थे, उनके लिए गिफ्ट लाना होता था इन्हें। दे प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। एंड दूसरा, ये गिफ्ट तो लाते ही थे, दूसरा इन्हें क्या करना होता था, जब भी राजा को इनकी जरूरत पड़ती थी, जब भी राजा कहीं अटैक करता था, किसी भी राजा पर आक्रमण करता था, तो ये सामंत लोग उसे अपने सिपाही को भी देते थे कि जो हमारे सिपाही हैं वो राजा के लिए लड़ेंगे और राजा को जीत दिलाएंगे। ठीक है बेटा। यस मैम। ये जो सामंत थे, उनका काम होता था गिफ्ट लेके जाना राजा के लिए और अपने मालिक के लिए, एंड जरूरत पड़ने पर अपने राजा को सैनिक सहायता भी देते थे। ओके बेटा। यस मैम। एज सामंत गेन्ड पावर एंड वेल्थ, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासामंत। एंड देखिए बेटा, अभी जैसा मैंने आपको बताया था, जो ये सामंत होते थे, जब इन्हें ज्यादा पावर मिल जाती थी और ज्यादा धन मिल जाता था, जब भी राजा की तरफ से इन्हें बहुत सारा धन मिल जाता था और पावर भी मिल जाती थी, क्या होता था ना, ये धीरे धीरे राजा के बहुत सारे सिपाहियों को अपने अंडर कर लेते थे, तो इनकी पावर भी बढ़ जाती थी एंड धन तो राजा दे ही देते थे, इन्हें काफी सारा पुरस्कार देते थे, काफी सारे गिफ्ट देते थे। तो जब इन लोगों के पास काफी पावर हो जाती थी और धन हो जाता था, तो ये अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देते थे, महासामंत, कि हम महासामंत हैं। एंड दूसरा एक और टाइटल देते थे, महामंडलेश्वर। ओके बेटा। यस मैम। क्या टाइटल देती थी अपने आप को ये, प्रशांत आप बताइए। मैम महा, बेटा माइक ऑन करके फिर बोलना है। मैम महासामंत। महासामंत। और दूसरा और क्या बोलते थे, महामंडलेश्वर। यहाँ पर महामंडलेश्वर की मीनिंग भी दी गई है, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और रीजन, यानी बहुत सारे एरिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति, जो कि अपने आप को भगवान माने, जो दूसरों के लिए भगवान हो। तो ये जो महामंडलेश्वर हैं, ये क्या होते थे, अपने ग्रुप के बीच में, जो उनका ग्रुप होता था, जो उनकी कम्युनिटी होती थी, जहाँ पर ये लोग रहते थे, वहां पर ये सबसे पावरफुल होते थे। एंड जो इनके अंडर जो लोग होते थे, जब भी उन्हें सहायता पड़ती थी तो ये उनकी सहायता करते थे, तो वो लोग इन्हें क्या मानते थे, अपना भगवान मानते थे। ठीक है बेटा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो सामंत थे वो राजा के लिए और अपने मालिकों के लिए गिफ्ट लेके जाते थे एंड टाइम प्रोटेक्शन भी देते थे, अपने जितने भी आर्मीज होते थे, अपनी जितने भी मिलिट्रीज होती थी, वो राजा के सपोर्ट के लिए भेजते थे। एंड दूसरा मैंने भी आपको बताया कि अपने आप को एक टाइटल देते थे, जब इनके पास ज्यादा पैसे हो जाते थे, ज्यादा पावर आ जाती थी, तो ये अपने आप को महामंडलेश्वर बता देते थे। एंड बेटा कभी कभी क्या होता था कि ये राजा के अंडर से हट जाते थे, बिल्कुल राजा के ऊपर ही अटैक कर देते थे। देखिए अब आगे हमें दिया हुआ है, सम टाइम्स यानी कभी कभी क्या होता था, दे एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, ये अपने मालिक के ऊपर अपनी स्वतंत्रता जाहिर कर देते थे, उससे मुक्त हो जाते थे।
अपने मालिक से बोलते थे कि अब हम आपसे ज्यादा पावरफुल हो गए, हम आपके अंडर नहीं रहेंगे। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। तो ये अभी जितना पढ़ा है सभी को समझ आ गया? यस मैम। यस सर। क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर है। चलिए महिमा आप बताइए बेटा, महामंडलेश्वर किन्हें कहा जाता था 17th century में? अनुराग आप बताइए। मैम महामंथा बेटा, महामंडलेश्वर द ग्रेट कौन से पर्सन को कहा जाता था? मैम द लॉर्ड ऑफ है सर्कल और रीज। बेटा आपको समझ आया? आप मुझे ना हिंदी में एक्सप्लेन करिए, अभी आप तो बिल्कुल एज इट इज चैप्टर की लाइन पढ़ के सुना रहे हो। आपको समझ भी आया था किसे कहते हैं? जैसे अनुराग। यस मैम। यस बताइए। मैम महामंडलेश्वर वो होते हैं मैम जो समानता, मैम पहले समाना रहते हैं और फिर राजा की के बाद मसामान ज्यादा पावर मिलती है तो मसामान था कहते हैं। बेटा महासामंत है वो, महासामंता नहीं है, महासामंत। चलिए आदर्श आप बताइए बेटा, जो सामंत होते थे वो अपने राजा के लिए क्या क्या करते थे, अपने ओवरलोड अपने मालिकों के लिए क्या क्या करते थे? यस आदर्श। इतने शब्द थे मैम, दे सिक्योर देयर किंग मैम, ये वे अपने राजा की सुरक्षा करते थे। चलिए वेरी गुड बेटा, किस प्रकार की सहायता करते थे ये भी बताइए। मैम मुस्कान आप बताइए बेटा। मैम दे ब्रिंग्स गिफ्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। वेरी गुड। तो ये क्या करते थे, ये गिफ्ट भी लेके जाते थे एंड जब भी जरूरत पड़ती थी तो अपने राजा को ये मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे। ओके चलिए अब आगे आते हैं फिर। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट इन द दक्कन। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटका। तो बेटा अब हमें यहाँ पर सबसे पहला जो वंश बताया है यह है राष्ट्रकूट वंश, जो कि दक्कन के दक्कन प्लेटू आपने सुना है ना सभी ने? यस मैम। तो ये जो राष्ट्रकूट है ये लगभग सारे पूरे दक्कन प्लेटू के अंडर में इन्हीं का अधिकार था, उसके आसपास के इलाकों में भी। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट ऑफ द चालुक्यस ऑफ कर्नाटका एंड इनके जो रिलेशन थे मतलब जो लड़ाई झगड़ा होता था वो किसके साथ होता था? चालुक्य वंश के साथ, जो कि कर्नाटक के। इन द मिड 8th century दंती दुर्ग ए राष्ट्रकूट चीफ ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्मड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ। अब बेटा एक बात आपको ध्यान से सुनिए, सभी ध्यान से सुनेंगे, ये जो राष्ट्रकूट हैं पहले ये सामंत थे। अभी हम मैंने आपको सामंत के बारे में बताया था ना, जो लोग राजा के अंदर होते थे। तो बेटा ये जो राष्ट्रकूट वंश है ये भी पहले सामंत थे, इन्होंने चालुक्यों को भगा दिया था, यानी पहले ये चालुक्यों के अंडर थे। जो चालुक्य है ये इनके राजा थे, चालुक्य वंश के अंडर इन्होंने काम किया था, लेकिन जब ये ज्यादा पावरफुल हो गए तो इन्होंने क्या कर दिया, चालुक्य वंश को हरा दिया और खुद राजा बन गए। ठीक है बेटा, अब कौन सा राजा था इतना ज्यादा पावरफुल हो गया जिसने की हरा दिया? तो राष्ट्रकूट वंश का ही एक राजा है जिसका नाम है दंती दुर्ग। ठीक है बेटा। यस मैम। राष्ट्रकूट वंश का जो राजा था दंती दुर्ग, इसने क्या करा, चालुक्य वंश को हरा दिया और अपने आप को स्थापित कर दिया। ठीक है। एंड बेटा इसने एक चीज और की थी, क्या होता था ना पहले के टाइम पे,
जैसे कि अभी आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी सिक्स क्लास में कि मतलब हमारा जो समाज था उसको फोर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था एंड सबके काम जो है वो पहले से ही डिसाइडेड होते थे क्या क्या पढ़ा था ना बेटा. यस मैम. तो बेटा जो राजपूत है जब इन्होंने अपने राजा को हरा दिया तो इन्होंने एक काम और किया. इसके बाद इन्होंने अपनी शुद्धि करने के लिए कि बाकी लोग भी हमें राजा माने तो इन्होंने क्या किया था एक यज्ञ कराया था जिसे कहा जाता है हिरण्य गर्भ. लिटरली द गोल्डन वॉर्म यानी कि सोने का गर्भ. तो इसमें क्या होता था सोने से एक गुफा बनाई जाती थी और वहां पर ये कराया जाता था. तो ये किसके द्वारा कराया गया था इतना समझ आया सभी को. यस मैम. एंड ये जो रिचुअल्स कराए जाते थे ये जो धार्मिक संस्कार कराए जाते थे यज्ञ अनुष्ठान आप सभी को. यस मैम. कौन सी कास्ट के लोग करते थे. ब्राह्मण्स. वेरी गुड. ब्राह्मण. तो बेटा ये जो रिचुअल्स है ये जो धार्मिक रीति रिवाज थे ये किसके द्वारा कराए जाते थे. ब्राह्मण. तो ये जो राष्ट्रकूट राजा था इसने भी एक ब्राह्मण की हेल्प से हिरण्य गर्भ यज्ञ कराया था. इट वाज थॉट टू लीड द रीबर्थ ऑफ सैक्रिफाइसर एज अ क्षत्रिय. और इसके बाद जब उसने ये यज्ञ करा लिया तब उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया कि मैं भी अब क्षत्रिय वंश का हो चुका हूँ. पहले से नहीं था लेकिन अब कौन से वंश का हो गया हूँ. क्षत्रिय वंश का. Even if he was blind, one by one, जो कि वो जन्म ही था लेकिन ओके बेटा समझ आ गया सभी को. यस मैम. सेकंड पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं आपसे. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बेटा जो राष्ट्रकूट हैं वो कौन से एरिया से बिलोंग करते थे कहाँ पर शासन करते थे लोग. यस इसका आंसर कौन बताएगा. यस उत्कर्ष नाउ यू टेल. यस मैम. उत्कर्ष रिपीट योर आंसर. बेटा जो राष्ट्रकूट थे कौन से एरिया में शासन कर रहे थे. प्रशांत आप बताइए. दोनों को ही नहीं मालूम. आप सुनते नहीं है. अनुराग आप बताइए. रत्नेश आप बताइए. बेटा बेटा माइक ऑन करके फिर बोला करिए आप. मैम कर्नाटक से. वेरी गुड. उत्कर्ष एंड प्रशांत समझ आया आप लोगों को. कहाँ से थे राष्ट्रकूट. मैम कर्नाटक. कर्नाटक से नहीं थे ये लोग. दक्कन के आसपास रहते थे. यस मैम. इन्होंने चालुक्यों को हरा दिया था. चालुक्य कर्नाटका से थे. ओके प्रशांत. यस मैम. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राष्ट्रकूट का जो राजा था दंतीदुर्ग उसने कौन सा यज्ञ कराया था अपने आप को क्षत्रिय बनाने के लिए. इस आदर्श आप बताइए. मैम रिपीट करिए. मैम क्वेश्चन. मैम समझ में नहीं आया. समझ में नहीं आया आपको. चलिए एक बार दोबारा बता दीजिए फिर. चलिए किसको बताया बेटा. मुस्कान आप बताइए कौन सा यज्ञ कराया था. मैम हिरण गर्भ. हिरण्य गर्भ. बेटा आदर्श सुना आपने. हिरण्य गर्भ नाम का यज्ञ कराया था राष्ट्रकूट राजा ने ताकि वो अपने आप को क्षत्रिय बना सके क्योंकि वो जन्म से क्षत्रिय कास्ट से नहीं था. वो जन्म से किसी और कास्ट को बिलोंग करता था तो उसने ये यज्ञ करा करके अपने आप को क्षत्रिय बनाया था. ओके बेटा. यस मैम. चलिए अब आगे हमारा एक पैराग्राफ और रहता है इसको स्टडी करेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.
In other cases, men from enterprising families use their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadam, Maurya Sharman, and the Gujar Pratihar, Harichandra were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms. तो बेटा अब आगे और भी काफी सारे लोग ऐसे आए जो जो कि ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे लेकिन उन्होंने भी अपने आप को क्षत्रिय में कन्वर्ट कर दिया था। उत्कर्ष बेटा कहाँ देख रहे हो आप? आपको समझ आया था कि राष्ट्रकूट जो राष्ट्रकूट राजा था उसने कौन सा यज्ञ कराया था अपने आप को क्षत्रिय बनाने के लिए? यस उत्कर्ष बताइए। तो बेटा अभी भी ध्यान से सुनना आपको, नहीं तो अब मैं जब इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछूंगी तो आप नहीं बता पाएंगे, सब आपको ध्यान से सुनना है। ओके तो बेटा आगे क्या हुआ, जो और कास्ट जो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे लोग, इन्होंने भी इनको भी मिलिट्री स्किल अच्छी लगी और इन्होंने अपने किंगडम को कार्व करने के लिए, उसे बनाने के लिए इन्होंने अपने किंगडम को उभारा बनाया और ये भी क्या बन गए, क्षत्रिय बन गए। अब कौन कौन से थे ये? एक तो हमें दिया है कदम वंश, मौर्य शर्मन एंड गुज्जर प्रतिहार, ये सारे ही ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे लेकिन इन्हें मिलिट्री स्किल पसंद थी, इन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद था, इन्हें योद्धा बनना पसंद था, इसलिए इन्होंने अपने कास्ट को कन्वर्ट कर दिया क्षत्रिय कास्ट में। ओके बेटा अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया, इनका जो पारंपरिक व्यवसाय था धार्मिक रीति रिवाज यज्ञ कराना, इन्होंने उसे छोड़ दिया और क्या पकड़ लिया, आर्म्स पकड़ लिया, मतलब इन्होंने अपनी भुजाओं के बल को चुन लिया कि नहीं हम तो भुजाओं के बल पे अपने आप को स्थापित करेंगे और ये योद्धा बन गई एंड सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। एंड बेटा ये जो वंश दिए हुए हमें गुज्जर प्रतिहार एंड मौर्य शर्मन एंड कदम वंश, इन्होंने कर्नाटका एंड राजस्थान के आसपास अपने वंश को स्थापित किया। ओके बेटा तो जितना पढ़ाया अभी समझ आया सभी को? यस मैम यस मैम। चलिए एक बार पूरा स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या पढ़ाया हमने। तो पहले मैंने आपको बताया था मैप, फर्स्ट मैप की कौन कौन से राजा आए 17 से लेके 12 सेंचुरी तक। एंड उसके बाद हमने स्टार्टिंग में सामंतों के बारे में पढ़ा था कि जो सामंत थे वो क्या करते थे, राजा को गिफ्ट देते थे एंड जब उन्हें जरूरत पड़ती थी तो उन्हें मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे। एंड जो सामंत ज्यादा पावरफुल हो जाते थे, जो ज्यादा वेल्दी हो जाते थे, वो अपने आप को महामंडलेश्वर हो जाते थे। एंड कभी कभार क्या होता था, ये जो सामंत होते थे ये अपने राजा से अलग हो जाते थे, ये ऐसा प्रूव करते थे कि हमारी जो ताकत है, हमारी पावर आपको ज्यादा होती है, हम आपके अंडर में नहीं रहेंगे। ओके बेटा यस मैम। ये जो पूरा पैराग्राफ है समझ आ गया? एक बार आप सभी बच्चों से दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं फिर। समझ आ गया ना बेटा सभी को? किसी को कोई डाउट है? चलिए अब अनुराग आप बताइए बेटा, जो चालुक्य वंश है ये कहाँ पर शासन कर रहे थे, कौन सी जगह? मैम कर्नाटका। कर्नाटका, वेरी गुड। एंड बेटा जो दंती दुर्ग है ये कौन से वंश से बिलोंग करता था, कौन सी डेंसिटी से था? आदर्श आप बताइए, इसकी डेंसिटी कौन सी थी? यस महिमा आप बताइए। उत्कर्ष आप बताइए बेटा। दंती दुर्ग, अभी हमने एक राजा पढ़ा था जिसने अपने आप को क्षत्रिय बना लिया था, तो वो कौन से वंश का था? उसका नाम बताइए। चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी। चलिए आकृति आप बताइए बेटा।
जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ करके क्या चीजें अपना ली थी, क्या करने को उन्होंने क्या सेलेक्ट कर लिया था? यस आकृति, महिमा आप बताइए। बेटा ये जो बच्चे बोलते नहीं है ना, तो दैट मीन्स कि आप कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते। आपको भी सही गलत आंसर कुछ तो बताना चाहिए। अगर आप गलत बताएंगे तभी तो सही आपको बताया जाएगा, उसे करेक्शन दिया जाएगा। प्रशांत आप बताइए बेटा। बेटा माइक ऑन करके बोलिए। मैम कैसा आ रही है? जो ब्राह्मण थे इन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ करके कौन सा काम करना सेलेक्ट किया था? प्रशांत आपको नहीं पता है? एक बार ये दोबारा देखिए, मैंने आपको लास्ट पैराग्राफ में यही समझाया था कि जो ब्राह्मण थे इन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया एंड टुक टू आर्म्स एंड अपनी भुजाओं के बल को अपनाया, यानी कि ये लोग भी किस तरफ बढ़े, ये लोग भी अब योद्धा बनने की चाह रखते हैं, योद्धा बन गए और इन्होंने अपने राज्य स्थापित किया। ओके प्रशांत समझ आया? यस मैम। एंड बोला करिए, ऐसा नहीं है कि आप चुप रहेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो उसे दोबारा पूछना है। यस मैम। चलिए बेटा, तो हम नेक्स्ट क्लास में बाकी का जो अगला टॉपिक है ये अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, यानी जो ये किंगडम बने थे इनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी इनका सैन्य संचालन कैसा था, ये अपनी सेना को किस अकॉर्डिंग काम कराते थे, तो ये वाला जो टॉपिक है ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा। यस मैम। यस मैम। आज जो पढ़ाया वो सभी को समझ आया? यस मैम। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पूछते हैं प्रशांत से। प्रशांत आप बताइए बेटा, सामंत कौन होते हैं? मैम कौन? सामंत किन्हें कहते हैं, सामंत कौन से लोग होते हैं? मैम जो राजा के यस बामा सामंत वो होते हैं बेटा जो राजा के अंडर काम करते हैं एंड टाइम पड़ने पर राजा को सपोर्ट भी करते हैं। एंड दूसरी बात, सामंतों के पास काफी सारी जमीन होती है, वो काफी सारी जमीनों के मालिक होते हैं। ओके बेटा। यस मैम। चलिए अनुराग आप बताइए बेटा, अभी हमने कौन से एक ऐसा वंश पढ़ा था जिसने अपनी कास्ट को चेंज कर दिया था, कौन से वंश था वो एंड क्या नाम था उस राजा का जिसने अपनी कास्ट को ही बदल दिया था? चालुक्य। चालुक्य वंश से। एंड राजा का क्या नाम था? मैम दंती दुर्गा। दंती दुर्गा, वेरी गुड। चलिए मुस्कान आप बताइए बेटा, चालुक्य वंश कहाँ पर शासन करते थे एंड राष्ट्रकूट वंश कौन सी जगह शासन करते थे? मैम चालुक्य वंश दक्कन कर्नाटका और राजपूत इन दक्कन। वेरी गुड। तो बेटा आप जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप ये जो आज पढ़ाया है इस टॉपिक को भी पढ़ के आएंगे, काफी आप इसके बारे में बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंड जब आपको पहला वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा बेटा तभी आप उसमें इंटरेस्ट ले पाओगे, तभी आपको पता लगेगा कि जो राजा जिन्होंने कास्ट चेंज की तो उन्होंने क्या अच्छे काम भी किए आगे चल के। ठीक है, तो अब अगर हमें किसी भी चीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है तो पिछली चीजों को याद रखना होगा। ठीक है बेटा। बेटा फिर आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। गुड बाय।